नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल स्वदेशी उपचार में एक बार फिर मैं आप लोगों का दोस्त मनोज कुमार हाजिर हूँ। इस बार मैं दही खाने के फ़ायदे बताऊंगा आप लोगों को। दही का नियमित उपयोग लगभग प्रत्येक घर में होता है। दही हमारे खाने का स्वाद तो बढ़ाता ही है, साथ ही दही की हम कई डिश भी बनाते हैं। दही में प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, लैक्टोज, आयरन, फास्फोरस, विटामिन B6 और विटामिन B12 इत्यादि पाए जाते हैं। यकीन मानिए, दही को अपने दैनिक जीवन में शामिल करना आपकी सुंदरता और स्वास्थ्य दोनों के लिए बेहद ही फायदेमंद होगा। दही को दूध के मुकाबले अधिक फायदेमंद माना जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि दही हमारे लिए कैसे उपयोगी है और किस प्रकार उसका उपयोग करना चाहिए। दही का उपयोग कैसे और कब करें? शाम और रात में दही नहीं खाना चाहिए। ठंड के मौसम में दही नहीं खाना चाहिए। धूप से तुरंत आकर दही नहीं खाना चाहिए। खट्टा दही नहीं खाना चाहिए। हमेशा ताज़ा दही खाना चाहिए। जिसे सर्दी, खांसी या अस्थमा की शिकायत हो उन्हें दही नहीं खाना चाहिए। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो उन्हें दही हर दिन खाना चाहिए। दही में अजवाइन डालकर खाने से कब्ज खत्म होता है। जिन लोगों को पेट से संबंधित परेशानियां रहती हैं उन्हें इसका नियमित सेवन करना चाहिए। दही में ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो पेट की बीमारियों को ठीक करते हैं। दही में बेसन मिलाकर लगाने से मुहासे ठीक हो जाते हैं। दही हमें लू लगने से बचाता है और लू लग जाने पर भी इसका सेवन फायदेमंद होता है। दही खाने से शरीर में चर्बी कम होती है। दही दूध से ज़्यादा असरकारक होता है। इससे हड्डियाँ और दांत मजबूत होते हैं। यह ऑस्टियोपोरोसिस से लड़ने में भी मदद करता है। सनबर्न, हॉर्न पर बर्न हुए जगह पर दही लगाने से राहत मिलती है। आप दही से बाल धो सकते हैं। इससे रूसी भी खत्म हो जाएगी और बाल सुंदर भी दिखेंगे। दही प्राकृतिक कंडीशनर है। आप कंडीशनर के स्थान पर इसका उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दही प्राकृतिक कंडीशनर है। आप कंडीशनर के स्थान पर इसका उपयोग कर सकते हैं। दही से बाल धोने के बाद यह ध्यान रखें कि आप अपने बालों को तुरंत सुखा लें। अगर दही से चेहरे की मसाज की जाए तो यह ब्लीच के जैसा काम करता है। यह हमारी पाचन क्षमता भी बढ़ाता है। मुंह के छालों में दिन में 2-4 बार दही लगाने से छाले जल्दी ठीक हो जाते हैं। चेहरे पर दही लगाने से त्वचा मुलायम होने के साथ उसमें निखार भी आता है। रूखी त्वचा वाले लोग आधा कप दही लें और छोटे चम्मच से 1 चम्मच जैतून का तेल और 1 चम्मच नींबू का रस, फिर इन तीनों को मिलाकर चेहरे पर लगाएं। उसके बाद गुनगुने पानी से चेहरे को धो लें। इससे आपकी त्वचा का रूखापन कम हो जाएगा। दही को आटे के चोकर में मिलाकर लगाने से त्वचा में चमक आती है। पसीने की बदबू दूर करने के लिए आप दही और बेसन को मिलाकर पूरे शरीर में लगा लें। इससे कुछ देर बाद नहा लें। कुछ शोधों के अनुसार दही के सेवन से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। जिन लोगों को दूध जल्दी हजम नहीं होता उन्हें भी दही आसानी से हजम हो जाता है। इसी के साथ मैं आपका दोस्त इस चैनल से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।